Hello beautiful mommies out there, welcome to my channel once again. This video is all about mommies. Yes, ye video bhi mommies ke liye hi hai, not for the kids. So mommies ke liye hai, ye video thoda sa alag hai. Yahan par main aapko ek aise product ke bare mein bata rahi hu jo aap everyday bhi use kar sakte ho. Aap when you are going out, jab aap parties wagaira ke liye ja rahe ho, aap tab bhi use kar sakte ho. Aap jaise aapki need ho, jaise aap chaho aap aise use kar sakte ho. So this video is about the sheet mask. आपने बहुत सारे नाम सुना होगा sheet mask that. तो sheet mask है क्या? First of all, sheet mask एक तरह का mask होता है जो sheet tissue type बना होता है. तो आप अपने face पे लगा लेते हैं and आप उसको 15 minutes के लिए या ऐसे कुछ time के लिए आप उसको face पे रहने देते हैं. आप उसका remove कर लेते हैं. अब आपको ये feel होगा कि आपकी skin बहुत ही soft और hydrated हो जाती है, which means कि dry and the dull skin वो थोड़ा सा improve हो जाती है ओवर द टाइम. तो आपको ये वीकली आप वन वीक आट अ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो जैसे अपनी यूज के यूसेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. स्पेशली ये बहुत ज़्यादा गुड है जब आप बेनिफिशियल भी है. अगर आप जैसे सपोज किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप पार्टी से पहले मेकअप करने से पहले आप अपनी स्किन पर 15 मिनट्स के लिए लगा लीजिए, फिर उसको हटा दीजिए तो वो स्किन आपकी बहुत ही हाइड्रेटेड रहेगी. आप मेकअप भी अप्लाई करेंगे तो उसका बैड इम्पैक्ट आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा एंड या लेसर होगा बेसिकली. और ये भी आप कर सकते हैं जब आप आते हैं पार्टी से, आप बहुत सारा मेकअप पुट ऑन किया है, आप उसको उतार रहे हैं, उतारने के बाद आपकी स्किन, आप इसको मैं आपको अभी दिखा देती हूँ शीट मास्क. आप उनको उन शीट मास्क को आप अपने फेस पे लगा लीजिए 15 मिनट्स और उसको ऐसी छोड़ दीजिए. आफ्टर 15 मिनट्स आप उसको निकाल दीजिए तो आपकी स्किन लाइट और फ्रेश फील होगी. आपको जो मेकअप का जो लोड होता है हमारे फेस पे, उसको मेकअप तो आप रिमूव कर लेंगे लेकिन आप उसको ये लगा लेंगे, उसके बाद उसको निकाल के आप वॉश आउट करेंगे, उसके बाद आपको स्किन आपकी लाइट और क्लियर फील होगी और आपको थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश भी लगेगा. सो शीट मास्क बहुत सारे अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के फॉर्म्स में शीट मास्क अवेलेबल हैं. अलग अलग आप कह सकते हैं, जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें फ्लेवर्स अवेलेबल होती हैं वैसे शीट मास्क बहुत सारी कंपनीज के भी अवेलेबल हैं. आप जो चाहें, आप जिस कंपनी का चाहें आप यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही रीजनेबल सी कॉस्ट होती है, 100 रुपीज़ पर शीट मास्क. तो आप जब चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं. वन शीट मास्क वन ही यूसेज के लिए होता है. आप एक बार उसको यूज़ कर देंगे फिर वो डिस्कार्ड हो जाएगा और तो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने शीट मास्क लिए हैं नायका के. नायका बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है. मैंने बहुत सारे शीट मास्क इसके लिए हैं. अगर आपको दिखा सको तो आपको वन बाय वन भी दिखा सकती हूँ ये कौन से. तो आप जो चाहो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो. बिकॉज मैं शीट मास्क यूज़ करना प्रेफर करूँगी इसलिए मैंने काफ़ी सारे शीट मास्क लिए और नायका के मैंने लिए हैं सारे नायका के ही. आपको थ्रू आउट अभी दिखाती हूँ. तो ये शीट मास्क बहुत ही अच्छे हैं, स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड करते हैं. आजकल बहुत सारी कंपनीज के शीट मास्क अवेलेबल है तो जो आपकी चॉइस की कंपनी हो, जिसको आप प्रेफर करते हैं, आप वो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं. तो टुडे इज़ अबाउट नायका. एज ऑलरेडी डिस्कस, नायका के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही जेन्युइन से हैं एंड आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है उनका. सो फर्स्ट मैं आप स्टार्ट करती हूँ इन शीट मास्क के साथ. फर्स्ट शीट मास्क इज विद दिस इज़ rice water plus white tea for the toned and the firmed skin. So this is very good if you want a firmed skin. Rice water वैसे भी बहुत अच्छा होता है skin और makeup essentials के लिए. तो आप जैसे घर में कुछ homemade चीज़ें भी use करते हैं हम rice water की, तो ये आप use कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा mask है. यहाँ से आप tear off कीजिए. आपको यूसेज भी दिया हुआ है, पहले आप क्लीन कर लें अपनी स्किन, इसको अप्लाई कर लें, रिलैक्स करें 15 मिनट्स और उसके बाद पील करके हल्के हाथ से, बिकॉज उसका हाइड्रेशन जो होगा वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा जेल आपके स्किन पे रह जाएगा. तो आप उसको हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए. दैट्स इट, तो दैट विल बी ऑल. सो फर्स्ट इज दिस राइस वाटर मास्क, दिस इज वेरी वेरी गुड. राइस वाटर है, उसका यूसेज कोरिया में बहुत ज़्यादा होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं. प्लस हम भी बहुत यूज़ करते हैं इंडिया में. दैट इज आई. नेक्स्ट मैंने शीट मास्क लिया है और ये नायका के जितने भी शीट मास्क हैं ये सब कोरिया मेड है. आपको दिख जाएगा उनके ऊपर लिखा हुआ भी, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये लिखा हुआ मेड इन कोरिया, ये बहुत ही अच्छे हैं. नेक्स्ट जो है आमंड प्लस योगर्ट फॉर रिवाइटलाइज नरिश्ड स्किन. ये भी आमंड बेस्ड है तो ये भी बहुत अच्छा शीट मास्क है. सेम है अप्लाई करने के तरीके, थोड़ा सा न्यूट्रिशन और थोड़ा सा
प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट्स इट। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं, सभी 100 रुपीज़ का है। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है कि आपने ये वाला लिया या ये वाला लिया या कोई और लिया तो उसकी प्राइजेस चेंज हो जाएंगे। सब जितने भी शीट मास्क अवेलेबल हैं सब 100 रुपीज़ हैं, और ऑलमोस्ट आई थिंक सारे ब्रांड्स में 100 रुपीज़ पर शीट मास्क ही अवेलेबल है। तो आप कोई भी ब्रांड या कोई भी शीट मास्क यूज़ कर सकते। तो दिस वॉज द सेकेंड वन। थर्ड वन इज़ कोलाजन प्लस ग्रेप फ्रूट। दिस इज़ ऑल्सो फॉर फॉर्म एंड यूजफुल स्किन। ये बहुत ही लाइट और बहुत ही ग्लोई टेक्स्चर देता है आपकी स्किन पे आफ्टर अप्लाई। अप्लाई करने का सबका तरीका एक ही जैसा है, यहाँ मेंशन भी है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये वाला हनी प्लस लेवेंडर फॉर काम प्लस ग्लोइंग। लेवेंडर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन एसेंशियल ऑयल्स ऑल्सो। लेवेंडर बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। सो लेवेंडर दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई बॉट दस वन, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है ब्लैक मड प्लस एलोवेरा फॉर प्यूरिफाइड एंड हाइड्रेटेड स्किन। आप चारकोल वगैरह भी यूज़ करते हैं मास्क में, तो दिस इज़ फॉर द ब्लैक मड, ये बहुत ही अच्छा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे। एंड दिस इज़ अगेन जो हम इंडिया में बहुत यूज़ करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक है ये स्किन को थोड़ा सा ग्लो भी देता है। टर्मरिक प्लस कोकोनट फॉर रिवाइटलाइज रेडी स्किन। तो आपको जैसे पार्टी में जाना है आप बिफोर मेकअप इसको अप्लाई कर लीजिए, स्किन आपकी ग्लोई भी दिखेगी। और इम्पॉर्टेंटली ये है कि इन शीट मास्क को हम तब यूज़ करते हैं हमारी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी मेकअप वाली। दिस इज अगेन वन अनदर वन, दिस इज ऑफ ये गूसबेरीज बनी हुई है। दिस इज गूसबेरी प्लस पपाया फॉर नरिश ब्राइटेंड स्किन। दिस इज अगेन अ वेरी गुड मास्क, आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज़ अगैन हम ग्रीन टी बहुत यूज़ करते हैं, वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये ग्रीन टी मास्क है, ग्रीन टी प्लस एलो फॉर रेजुविनेटेड हाइड्रेटेड स्किन। सी दिस मास्क इज ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट मास्क इज द स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज रेड स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज प्लस आगन। आगन ऑयल हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही स्पेशली आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट या बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी देखते हैं जब हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं हम हेयर या स्किन का, तो उसमें आगन ऑयल यूज होता है। आगन ऑयल बहुत ही गुड होता है हमारी स्किन या हमारे हेयर के लिए। तो दिस इज बेस्ड विद द स्ट्रॉबेरी प्लस आगन ऑयल। आगन ऑयल का बहुत ही अच्छा जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारी ब्लेमिशेस को, हमारे एक्नेस को वो कम करता है। तो ये भी ग्लोइंग मास्क है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज दिस इज एवोकाडो, एवोकाडो प्लस मोरिंगा फॉर अ नरिश। मोरिंगा एक प्लांट होता है एंड एवोकाडो आपको पता ही है फ्रूट होता है, तो इनसे बना हुआ है ये। प्लस दिस इज ऑल्सो फॉर द नरिश एंड हाइड्रेटेड स्किन। सो एवरी मास्क हैज सम डिफरेंट इंग्रेडिएंट, मेजर डिफरेंट इंग्रेडिएंट, एंड सो यू कैन चूज एनी वन यू लाइक, ईदर दिस और दिस और दिस, एनी वन, बिकॉज आई बॉट ऑल दीज, सो आई एम जस्ट शोइंग यू। आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये वन यूज के लिए ही होते हैं, तो आप वन टाइम यूज़ करेंगे उसके बाद यूज़ नहीं करेंगे। तो आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे, जो मास्क आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेटर है आप उसको तो आप खुद ही यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी यूसेज कितने अच्छे हैं। सो हेयर आर सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ ऐसे सारे, तो मैं ट्राई कर रही हूँ बट पकड़ने का, ये हैं और कुछ ये भी हैं, ओ सॉरी ये सारे के सारे शीट मास्क हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। इनके बारे में, इनके कंटेंट के बारे में आपको बता दिया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर पार्टी, आफ्टर पार्टी एंड ऑन द डेली बेसिस ऑल्सो। बट आप वीक में एक बार यूज़ करेंगे तो वीज आर वेरी गुड। आप वीक में एक बार ही यूज़ करिए, आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील होगी, आपको जो डर्ट पोल्यूशन, या आजकल आपको पता है डर्ट पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, तो डर्ट पोल्यूशन ड्राइनेस वो आपकी स्किन से रिमूव हो जाएगा। आप वीक में एक बार कभी भी यूज़ कर सकते हैं, डे नाइट कभी भी, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। आप उसको यूज़ करिए, आप मुझे इसके रिव्यूज़ बताइए आपको कैसे लगे हैं, अच्छे लगे हैं या बहुत अच्छे लगे हैं या नहीं अच्छे लगे, आप इनके रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
एंड और भी कंपनीज की, अगर मैं और कंपनीज की भी परचेज करूँगी तो मैं आपको उनको भी दिखा दूँगी। अदरवाइज आप ये मैंने ऑनलाइन बुक की बिकॉज नायका एक ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है और उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप ऑनलाइन ट्रस्ट करके ले सकते हैं इनको, तो मैंने सब ऑनलाइन मंगाए थे। एंड रुपीज ईच लो कॉस्ट, तो 10 है ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिल गए थे सारे। आप यूज़ कर सकते हैं, आप इनको यूज़ करके मुझे रिव्यूज़ अपने बताइए वो कैसे लगे। आप किसी और ब्रांड का यूज़ करते हैं वो भी मुझे बताइए प्लीज़। I would love to share your experiences also. So, bye bye for till now. Use the sheet mask to keep your skin hydrated. So, this was all about for the today's video. Hope आप मॉर्निंग को ये वीडियो पसंद आया हुआ है और ये बहुत ही एक डेली रूटीन या एक वीकली रूटीन में आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। और जो स्पेशली आप समर्स आने वाले हैं तो समर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आपकी स्किन को जो डे टाइम का पोल्यूशन, स्पेशली जो मदर्स हैं जो रोज़ ऑफिस जाते हैं या रोज़ बाहर जाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप आके वीक में एक बार संडेज आपको मिलते हैं तो आप संडेज में भी जस्ट 15 मिनट्स की इसको अप्लाई करके देख लें, आपकी स्किन लाइट और हाइड्रेटेड फील होगी, आपको खुद ही वो सॉफ्टनेस फील होगी आपकी स्किन पे। सो आप ट्राई कीजिए, मुझे रिव्यू दीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से या मम्मीज के साथ। तो और वन मोर थिंग जो आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ कि डैडीज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि मम्मीज यूज़ करें, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए और मुझे रिव्यूज दीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।